पूरे भार लेके चल रहा है पार्लियामेंट की तरफ यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे लेनिन। मैं टोटल राइट हूँ भाई <laughs> क्योंकि हम तो पक्के दोस्त हैं झगड़ेंगे तो है नहीं वो तो पता चलेगा इज दैट अ अ थ्रेट और प्रॉमिस मैं तो नहीं झगड़ता <laughs> मैं भी <laughs> फ्लाइट में मत मिल जाना बस <laughs> मैं तो हवाई जहाज में चलने वाला बंदा ही नहीं हूँ तो पहली पर्ची उठाए <laughs> उठाओ ना पहली पर्ची क्यों नहीं उठा लो लोहो इसमें तो बोलने के लिए बहुत कुछ होगा क्या है रिलीजन इज अनसिविलाइज है मैं तो एक्सट्रीम राइट हूं बॉस मेरे को उधर क्लब मत कर तो रिलीजन इज अनसिविलाईज एंड कम्युनिज्म सिविलाइजेशन ये तो वही बात होगी ना तब कहां थे जब कश्मीरी पंडित को निकाला जा रहा था है मैंने कम्युनिज्म की बात करी कहा जा रहे थे आप <laughs> मैं ये कह रहा हूँ कि रिलीजन इज अनसिविलाईज ये मेरा मानना है hmm. मुझे जब पता है आपका तो मानना कुछ और ही हो रखा है आजकल Mm, आजकल नहीं मेरा मानना है कि सिविलाइजेशन फॉर्म ही नहीं होगी अगर का बेस नहीं होगा तो व्हाट डू मीन बाय बेस सी बात है रन ऑन लव शुड मॉरल कम्पस शुड इट बी रन ऑन व्हाट इज द बेयर बोन दैट मेक्स यू गेट अप एंड नॉट बी एन सेंस अभी ना पर सिविलाइजेशन की जब बात कर रहे हो तब तो ये कॉमन सेंस रिलीजन लाया ना तब आ गया जब रिलीजन का जो रोल था उस टाइम पे जितनी भी जानकारी थी जितनी नॉलेज थी ठीक है उसके हिसाब से रिलीजन ने एक कॉमन सेंस दिया नाउ डेट हो चुकी है नाउ वी डोंट नीड इट बट नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज क्रीजीड माई पॉइंट इज रिलीजन स्टैंड फ्रॉम अ बिलीफ

ये तो वर्ड प्ले है ना वर्ड प्ले है बट ये ऑर्गेनाइज रिलीजन और ये सब तो ऑफकोर्स मैं भी छोड़ चुका हूँ बट आई थिंक बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल लर्निंग इज फार मोर नीडेड देन एनी मतलब एनी सेंचुरी देन नाउ बिकॉज अभी जो सामान है ना लोगों के पास लाइक ओनली a spiritual mind cannot use it against people. Mm. like the spiritual growth of a person will not uh, let him bomb uh, japan with nuclear weapon. Mm. a religious fanatism of a person may mm. may do stupid things like that. you think that way now. two versus host there because it works for you. yeah. but the day you, you come out and say, this should work for everybody, then your spirituality is problematic. yeah right and this is the difference like if if this works for you it uh, settles you and certainly gives you a meaning in your life yeah. that fine hmm. but hmm. jis din tu ek अपना वो खोल लेगा के अमीरों से पैसे लेके तो उनको ज्ञान देने लग जाएगा spirituality के correct उस दिन वो problem हो जाएगी because then it is it has made itself available to be used by irrational politics yeah हाँ हाँ। तो उसको पसन, आ, religion, आप रिलीजियस भी हो यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं किसी को भी पर चुप रहो अपने घर में रखो ना ये बाहर लाउड स्पीकर लगा लगा के क्या शोर मचाने यार। नहीं, बात सही है उसकी। मतलब मैं किसी के छाती में बैठ के अपने स्पिरिचुअल बिलीफ तो नहीं बताऊंगा इन दैट सेंस रिलीजन इज अनसिंग टू जैसे स्टेट में था इन दैट इज इट्सिम बडीज बिलीफ इज इन योर फेस एंड थ्रेटनिंग यू डॉन्ट यू बिलीव इन माई बिलीफ इससे हो ही नहीं सकती करेक्ट बट जैसे आप देख लीजिए जो एथियस कंट्रीज भी है जहाँ चाइना हो या रशिया ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कल्चर को कैंसिल नहीं किया लोगों को मारा नहीं अपने पॉलिटिकल बिलीफ के लिए वो भी आपकी बात आप जो बोलते हैं वो सही है मैं साइंस को वैसे लोगों से जोड़ता ही नहीं वो जो जैसे जो कम्युनिस्ट है वो उनका रिलीजन हो गया कॉम्युनिज्म हो ही गया ना मतलब भाई यार जहां पे आपने श्राइन बना दी वो रिलीजन ही हो गया ना लेनिन क्यों है वहां पे अभी तक लनिन के लेनिन, लेनिन क्यों है उसको मरे इतने साल हो चुके हैं ठीक है माओ बेजिंग में क्यों है उनको अम्बाम कर क्यों रखा हुआ है दिस इज टिपिकल रिलीजियस वो ना कि श्राइन बना दे अब लोग पैसे दे के वहाँ पे पैसे तो नहीं मतलब पैसे दे के तो आजकल कुछ नहीं मिलेगा डॉलर दे के वहाँ, वहाँ पे उनको देखने जाते हैं दर्शन दर्शन ही तो हो रहे ना वो वैष्णो देवी टाइप ही तो हो गया या मक्का मदीना टाइप हो गया ना वो सब सारे रिलीजन का लेता हूँ ताकि कोई ना कैसे कि उसका क्यों नहीं बोला हाँ। तो ये वैसा ही हो गया ना तो इन दैट सेंस इफ इफ आपने भी गॉड लाइक फिगर बना दी ना आपने भी उसको वहाँ पे श्राइन में डाल दिया कि जैसे प्रॉफिट का बाल रखा हुआ है कहीं पे क्राइस्ट का बाल रखा हुआ है कहीं पे अयोध्या में मंदिर निकल के आ रहे हैं कहीं पे तो इसमें और इसमें कोई मुझे फर्क नजर नहीं आता है तो माई माई क्रिटिसिजम ऑफ रिलीजन इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिलीजन

this podcast will be available to our subscribers only meaning you'll only be able to watch this episode on our website if you are a subscriber so subscribe to newslaundry.com for a seamless podcast experience you can download the News Laundry app so if you're still not a subscriber go to newslaundry.com and click on the subscribe button on the top right besides shows like your subscription will directly fund our ground reports and all the journalism that we do at newsdunry.com pay to keep news free need i say more so sanjay I had like a point uh, like people say that religion is like you know it's not evolved or it needs to be evolved or it's contradictive or it's being contradicted by realities of today i agree with that but so is science right so is science like without gravity, what is relativity? everything is taken forward and yeah. updated. science may be, or religion ka update here like spiritual doctrine. you are saying that you have the privilege of looking at a mass that follows a certain religion. we think that need, needs reform. we think that needs change. but a personal individual, that personal individual's spiritual growth, their poetry, is timeless. Like, I wouldn't give a fuck about a thousand Galileos, but one Siddhartha mm. is enough to like reform society. The, India is the only country, only country, okay? And I'm proud of this. And people in the West say stupid things like, you know, India gave birth to spirituality. And I'm like, no, India is 75 years old. Spirituality gave birth to India. Spirituality is the reason we never invaded. Spirituality is the reason we always believe that there's no point conquering a million till you have no control on your own self. So I feel that our spiritual doctrine is cannot be just discarded as ir irrational because your spiritual doctrine is your doctrine. Like it's how you want to function, whether it's communism, whether it is uh, religious fanaticism, or whether it is even religious rituals which upset us. मतलब एवरी स्पिरिचुअल पर्सन विल से कि कहाँ जा के कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो है यही है अंदर ही है पर वो समझाना ज़्यादा जरूरी है देन सेइंग के आई एम जस्ट दिस रिलीजन इज अनसिविलाइज लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड्स अ साइंटिफिक टेम्पल इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिवलेज आप लाइक वी ऑल्सो गेट अपसेट वी गेट डिजोल्यूशन वी हैव टू फिल अवॉइड आई हैव बिन थ्रू दैट पाथ वैन आई थॉट दैट नथिंग एल्स बट एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स गुट फिल्म माए वाइड जो हमारी प्रिवलेज पर नहीं है जो हमारी प्रिविलेज से बहुत नीचे है और बिगेटेड नहीं है नहीं सोचते कि उनका रिलीजन दूसरे रिलीजन से बड़ा है पर उनको एक फिलोसफिकल नेगोसिएशन अपने अंदर चाहिए ना वो कैसे आएगी हो गया <laughs> मैं बिल्कुल बो, मैं <laughs> बोलो। बोलो, सही सवाल है दो चीज़ें हैं अगर इस यूनिवर्स के अंदर Like, जो सवाल तूने उठाया कि अपने अंदर का जो क्लेंजिंग और शांति और कंपैशन एम्पैथिक सबकी पर्सनल बैटल्स हैं अगर इस पूरे यूनिवर्स के अंदर से ह्यूमन बींग्स को निकाल लो आप देर आर नो ह्यूमन बींग्स बट द यूनिवर्स इज स्टिल देयर साइंस इज अबाउट लॉज ऑफ दैट यूनिवर्स ह्यूमन बींग्स आर इलेवेंट टू साइंस मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि और उस साइंस का फायदा उठा रहे हैं उस साइंस की वजह से ही ये सब शूट हो रहा है सब कुछ हो रहा है और जो आप बात कर रहे हो कि जिसको आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अचीव करने की कोशिश करो एंड एम श्योर यू विल अचीव इट बट योर ब्रेन इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग यूनिट द हाउ द न्यूरॉन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर देयर इट्स इट्स नॉट समथिंग दैट वी टोटली अंडरस्टैंड बट वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन तो आप कब हैप्पी uh, फील कर रहे हो कब आप सैड फील कर रहे हो कब आप एम्पेथी फील कर रहे हो इट्स ऑल अ फंक्शन ऑफ योर ब्रेन एंड हाउ योर ब्रेन फंक्शन उसका दस परसेंट भी नहीं जानते मेरे ख्याल से ठीक है yeah. तो अब ऐसे में क्या किया जाए ऐसे में जैसे लाइक स्पिरिचुअलिटी गेव यू सम सेंस ऑफ कामनेस एंड सम सम सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस ऑल्सो सम वे बट साइंस इज नॉट अबाउट दैट बट वी आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस नो वी सो साइंस इज नॉट अबाउट दैट but that peace what will that peace be see what did it do like when i was in that phase and i was very honest when i was in that phase what gave me the peace was just that that accept the things you can't change the things you can yeah fine that's, that's about it that's and that's a spiritual doctrine galileo is not telling me that no no galileo will not tell you that unless he knows how the brain functions

तो वो जो मेरी वाली थ्योरी है उसको उसकी जगह मैं अब ये आ, बोल रहा हूँ दिस इज अ बेटर एक्सप्लेनेशन दट डजेंट हैपन विद रिलीजन आई एम नॉट टॉकट स्पिरिचुअलिटी ठीक है स्परिचुअलिटी सेपरेट थिंग ऑफ ऑन रिलीजन एंड स्परिचुअलिटी आर कन्फ्लेटेड एंड देन उसके बाद ये गुरु शुरू हो जाते हैं तो वो नहीं है तो एंड आई एम श्योर तो उस स्परिचुअलिटी में नहीं है बट लाइक न्यूटोनियन मैकेनिक्स ठीक है के जो टिल द बिगनिंग ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स वॉ सपोज टू बी द एक्सप्लेशन ऑफ लॉज ऑफ नेचर थ्री लॉज ऑफ मोशन जो हैं, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ इन्हीं के हिसाब से जो है मोशन गवर्न करा जाता था बट उसमें एक फिलोसफिकल ना दस वॉट आई एम सिंग पीपल डोंट गेट इन टू दिस डिटेल्स अबाउट द फिलोसफी ऑफ साइंस उससे एक फिलोसफिकल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ न्यूटोन मकैनिक्स क्या है क्लॉक वर्क यूनिवर्स यूनिवर्स को वो करती है कि दर इज अ कॉज एंड देन देर इज अफ इफेक्ट ठीक है तो कॉज माने कि अगर मैं यहाँ से हंड्रेड किलोमीटर्स दूर मेरे को जाना है और मैं फिफ्टी किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलता हूँ तो मेरे को जाने में दो घंटे बाद मैं कहाँ पे आऊंगा मेरे को पता चल जाएगा दैट मीन्स इफ आई नो माई इनिशियल कंडीशन आई कैन प्रोडिक्ट माई फ्यूचर विच इज़ अ फिलोसफिकल डिलेमा कि इफ वी नो द इनिशियल कंडीशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स वी कैन प्रोडिक्ट फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स विच मीन्स द फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलरेडी डिसाइडेड वॉट हैपन इन ट्वेंटी सेंचुरी क्वांटम मैके विद द एडवेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वो माइक्रो लेवल के वर्ल्ड पे बात करने लगा क्योंकि न्यूटन के जो लॉज हैं वो माइक्रो इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे वो फेल हो जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स ब्रॉड प्रॉबेबिलिटी इनटू पिक्चर क्वांटम मैकेनिक्स ने मोटे मोटे तौर पर अगर लेमैन की भाषा में कहा जाए तो ये ये बोला कि आप इनिशियल कंडीशन एक्यूरेटली पता ही नहीं कर सकते तो फाइनल तो आप प्रडिक्ट कर ही नहीं सकते वही हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि, कि किसी भी पार्टिकल का पोजिशन और मोमेंटम आप एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते विच इंट्रोड्यूस प्रॉबेबिलिटी कि यू नो प्रबली ये पार्टिकल जिसको मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ प्रोबेबली ये यहाँ है यहाँ है यहाँ है एक्यूरेटली आप नहीं पता कर सकते सो वॉट क्वांटम मैकेनिक्स मैकेनिक विच रिलीजन नेवर डज बिकॉज दैट वॉज आवर ओरिजिनल डिस्कशन क्वांटम मैकेनिक्स हैड अ बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन एंड उसने न्यूट्रोन मैकेनिक्स को डिसमिस नहीं किया उसने इनकम कर लिया कि माइक्रो लेवल पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज वैलिड और माइक्रो लेवल पे माइक्रो लेवल पे डिफरेंट बट आई हैव नेवर सीन एनी रिलीजियस बॉडी और एनी रिलीजियसन डोंट टेक इट ऑफ कोर्स बट वो इंटरचेंज होते रहेंगे हां एग्री uh -huh, कभी मैंने किसी रिलीजियस उसको नहीं सुना देखा बोला बोलते हुए सुना कि पहले जो मेरा बिलीफ था वो गलत था या इनकम्प्लीट था

Giving birth to like the most beautiful religion Buddhism in the world, in we in terms of truth we have put non-violence before truth hmm. that you can find the truth but your truth cannot be violent to someone else. Hmm. ये जो political correctness की बात हो रही है ना ये इंडिया ने 2500 साल पहले की है कि hmm. your truth cannot be violent. Hmm. अगर कोई आदमी अंधा है तो उसको अंधा feel कराना

कोई चीज़ में वो कॉन्ट्रडिक्शन अगर उसको मिली है एंड द कॉन्ट्रडिक्शन हेल्प्स हिम टू ग्रो एंड रीच टू हिज थ्रोथ वो कॉन्ट्रीडिक्ट करता है एक रिलीजियस आदमी कॉन्ट्रडिक्शंस देखता है एक्नॉलेज करता है बट जो उसको मिलता है ही टेक्स इट अहेड एंड अपलाईज इट फॉर टाइम ऑफ टुडे हु गिव मी एन एग्जांपल आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु बीन स्ट्रिंजेंट टू देयर बिलीफ ऑफ बीइंग एन एथियस एंड देन रियलाइज दैट देयर इज सम अनफुलफिल्ड वाइड एंड देन

और चर्च का प्रोग्रेस लाइक आई आई पर्सनली फील की चर्च जो भी होमन के बारे में बोल रहा है आई बहुत देर आर थर्टी टू जेंडर पीपल आर फाइटिंग वर्किंग ऑन ऑन प्रोनाउंस और चर्च अब जाके होमन को कर रहा है इट्स लाइक पीपल आर फेड अप लाइक मार्जिनलाइज जो है दे हैव नो पेशेंस एनी मोर एल जी बी टी क्यू हैव नो पेशेंस एनी मोर कि हम चर्च का वेट करेंगे दिस इज नॉट ये कोई ये दिस इज नॉट इससे तेज तो नेचुरल इवोल्यूशन होता है यार जितनी तेज और रही बात वो व्हेन यू सेड दैट बुद्धिज़म इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलीजन एवरी रिलीजन सेज दैट आई एम द मोस्ट जो उसके फॉलो मैं बिकॉज यू तो यू आर ऑन स्परिचुअल उस पर ना अगर तो रिलीजियस होता हर रिलीजन का बंदा वो फॉलो करता है उसको इसलिए नहीं कि उसने सेलेक्ट किया है कि मैं पांच रिलीजन देखूं उसमें से सबसे अच्छा कौन सा है फिर योल वो जिसमें पैदा हो गया एक्सीडेंट ऑफ लाइफ उसके लिए वो बेस्ट रिलीजन नाइन परसेंट लोग वही रिलीजन में उसी को बेस्ट कर तो उसी को प्रैक्टिस करते रहते हैं सारी जिंदगी ठीक है जब वेन यू टॉक अबाउट ट्रूथ सो आई आई एम वरीड अबाउट द स्टेटमेंट वेन यू से दैट बोथ साइंस एंड रिलीजन आर ट्राइंग टू कम टू द ट्रूथ इट्स नॉट द सेम ट्रूथ डिफरेंट बट दैन दैट अगेन इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट एंड वॉट आई एम सेंग इंडिपेंडेंट ऑफ द सोसाइटी इवन इफ देर आर नो ह्यूमन फेयर द लॉज ऑफ द नेचर एज साइंस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज लॉज हाउ इट विल हेल्प यू फाइंड योर ट्रूथ इज नॉट साइंस इज बिजनेस इट डजेंट क्लेम दैट मैं तुम्हें ना एक मन की शांति के उस लेवल पर ले आऊंगा यह अलग बात है कि किसी को मतलब डी बॉडली की इक्वेशन देख के जो है बहुत भयंकर पीसफुल नींद आती है किसी को हाइजनबर्ग का देख के वे पार्टिकल नेचर का देख के आइंसटीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख के बहुत प्रॉब्लम ये है कि व्हेन वी लूजली यूज वर्ड्स लाइक ट्रूथ एंड द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स इन द कॉन्टेक्सट ऑफ साइंस वी एक्सपोज दोज लाइन्स टू बी मैनिपुलेटेड बाय रिलीजियस पीपल लाइक आइंस्टीन फेमसली सैट दैट गॉड डज नॉट प्ले डाइस इसको रिलीजियस लोगों ने झपट रखा है कि आइंस्टीन स्टीन ऑल्सो बिलीव इन गॉड स्टीवन हॉकिंग की किताब है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उसमें लास्ट लाइन है शायद जब उसमें बोलता है एंड बाय अंडरस्टैंडिंग दिस वी विल अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड ऑफ कोर्स इट्स अ अस्चीवियस लाइन ही नो बडी मतलब कोई नहीं कह सकता हॉकिंग वॉज अ बिलीवर ही एन राइट लेकिन उसने मिस्चीव में वो लाइन लिख दी अब वो लाइनें उठा लिया लेकिन उनका कॉन्टेक्सट ही पता नहीं है हॉकिंग ने तो क्लियरली मिस्चीव करा

सो so, उसकी भी लाइफ में वो डिलेमा था अपना एंड देयर विद दैट डिलेमा अगर वो किसी रिट्रीट में जाता है एंड लिस टू स्पिरिचुअल डिस्कोर्स एंड इट गिव्स हिम सम सैनिटी एंड सम सम पीस टू यू नो रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन इन हिज फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स गुड फॉर हिम गुड फॉर स्परिचुअलिटी या तो मेरे जैसे लोग बोलते हैं कि यू you नो know, ये सब धंधा है इज बुद्ध डिस्ट्री बुद्ध का यही था कि ही डिस्ट्रॉयड प्रीस्ट हुड इन एन अ वे तो जब लोग बोलते हैं कि प्रीस्ट हुड हेज टेकिंग ओवर रिलीजन वगैरह वगैरह पर आप कोई भी चीज़ खोल के पढ़ो उसमें लिखा है गुरु को बहुत जल्द लात मारनी है नहीं तो वो आपको लात मार देगा हाँ तो उसी जैसे इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि आप किताब खोल के पढ़ो या yeah. लोग पढ़ते तो है नहीं कि इसमें लिखा हुआ है वही मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार प्रिंस प्रिंसिपल मैथमेटिक का जो है वो भी पढ़ो आप एक बार रिलेटिविटी के पेपर्स भी पढ़ो क्योंकि क्या है ना हमारी सोसाइटीज़ के अंदर वो सब कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि एक पॉइंट के बाद वो इतना टेक्निकल होता जाता है ना इट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अगर आप मंडे को ऑफिस जा रहे हो मतलब स्कूल जा रहे हो पढ़ने के लिए पहला पीरियड आपका फिजिक्स का है या मैथमेटिक्स का है सुबह सुबह वो भगवान शिव का टीका लगा के जा रहे हो इट्स इन डायरेक्ट हर हफ्ते अपडेटेड रहना पड़ता है रिलीजन सही है दो 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 साल में अपडेट होता है सॉफ्टवेयर <laughs> <laughs> तो <आ>, साइंस <laughs> में पहले एटम वो एटम मतलब क्या था वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ होता रहता, साथ रहता साथ हो गया है तो. <laughs> 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 तो अभी मुझे लगता है साइंस बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है तो मैं रिलीजन के साथ ही रहता हूँ डेढ़ सौ डेढ़ सौ साल हाँ, आलसी भी, भी तो है ना हाँ, हा, आलसी भी, तो है आराम भी तो करना है ज़्यादा दिमाग लगाना अच्छा अभी कुछ इतनी हेवी डिस्कशन के बाद कुछ फन करते हैं यार बहुत अभी बहुत हो गया ये और ये हमारा हमेशा डिस्कशन रहा है बहुत टाइम एंड जस्ट टू काम आर सेल्स वैसे ये रेजोनेंस है अभी इसमें साइंस मत ढूंढना यार है इसमें ऑफ कोर्स होगी मैं आपको पांच क्लूज दूंगा एक आदमी के बारे में आप बताओ है कौन एक पहला क्लू एक मिनट औरत के बारे में क्यों नहीं सेक्सिस्ट है तो आगे बोल ठीक है पहला क्लू वो टीवी पे आते हैं ये तो एक क्लू नहीं आ रहा तो हर गधा घोड़ा टीवी पे आ रहा है ही एज मेड स्पीकिंग इन इंग्लिश अ बिजनेस मॉडल इस पे भी नहीं समझे वो कभी नदी साफ करते हैं कभी खेत में घुस जाते हैं बाइक पे हाँ। सद्गुरु यार ये अगर मैं कोई होल्डिंग हां मैं कोई होल्डिंग लगाना है सद्गुरु को और बोलना है कि अगर आपका बच्चा ये सुन रहा है uh. तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर वो वो आई होप यू डोंट कंसीडर दैट स्पिरिचुअलिटी अबे यार आई डोंट इवन कंसीडर दैट पर्सन ह्यूमन जस्ट टू मेक इट क्लियर फॉर एनीबॉडी हु इज वाचिंग

मोर देन दैट जो सदगुरु को फॉलो कर रहा है हाँ। वो भी ये पढ़े दूसरा वाला मैं उठाता हूँ हाँ। बूढ़ो की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए इस पे झगड़ा हो ही नहीं सकता आओ बु पहले तुम्हें आपका स्वागत किया जाता है पान पराग के साथ <laughs> <laughs> मैं तो कहता हूँ किसी की भी रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए जब तक वो मौका ना दे आपको रेस्पेक्ट करने का और बड़े तो मौका देते ही नहीं है बड़े तो बेइज्जती का मौका देते हैं तो बेइज्जती करनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए तेरे पास कोई एग्जाम्पल है जहां पे तेरा मन किया कि बेजती करूं लेकिन बिना करे निकल गया अरे रोज के एग्जाम्पल हाँ तो दे दो। दो। ना भाई दे। मैं <laughs> <थे। laughs> एक अंकल से मिला था कि वो मुझे बोल रहे थे कि आपसे ना चालीस दिवाली ज्यादा देखी है मैंने मैं बोलने वाला था उनको अंकल आपके देखते देखते होल हो गया उस में फिर <laughs> <laughs> मैं बोल नहीं मैं बोलता नहीं बिकॉज मुझे लगता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट फालतू में नहीं करनी चाहिए पर डिस्ट डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करनी चाहिए रहने तो इनको नहीं इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सड़क पर मैं ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह सड़क पर निकल जाए देखा कहाँ बुढ़ा मिला करो बेजती हाँ ये ढूंढता नहीं फिरता मैं हाँ। लेकिन अगर आप जबरदस्ती आके मेरे मेरे मुंह पे चढ़ के बोल रहे हो कि यार तुमने तुमने शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हो मैं यार आप हो कौन नहीं पर बात तो सच है तो यार किसको चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इस इस जिंदगी में इस दुनिया में मतलब क्यों मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ यार पर जिसने ले ली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पचास साल निकल गए वो बोलेगा तो सही ना अब फिर तेरे. तो उसको नहीं तो फिर तो उसका खुद का ही वो हो जाएगा बट मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हर जनरेशन को पिछली जनरेशन के लिए जगह छोड़नी होती है हुँ. मेरे को भी छोड़नी पड़ेगी तेरे को भी छोड़नी पड़ेगी yeah. अब आप उस जगह पे अपना बाप की जागीर समझिए कब्जा करके बैठ गए हो और फिर मॉरल अथॉरिटी और ले ली कि यार जस्ट बिकॉज आई हैड फोर्टी दिवालीज मोर दे मोर देन यू तो अब मुझे इसका हर चीज़ में तेरे से ज़्यादा पता है वो साइंस के ऊपर ज्ञान देता है टेक्नोलॉजी भी दे सकता है रिलीजन पे अक्सर देता ही देता है पर्सनल रिलेशनशिप पे ध्यान ज्ञान दे, देता है आपको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने नहीं देता है और सुबह सुबह चार बजे उठ के खाकी निककर पहन के भी जाता है हाँ. जब तो पहली पहली दिवाली मना रहा था तब तो टेलीविजन नहीं था बिजी न्यूज़ नहीं था और ये तमाम किस्म के और जो प्रोपागेंडा ये सोशल मीडिया ग्राफी वॉल नहीं थी तो उसको तो बोलना पड़ेगा ना यार पर एक पॉजिटिव भी है जो चीज़ों के बारे में बुढ्ढों को पता है ना जिंदगी में कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं एक जॉब पे कैसे चालीस साल टिकते हैं, कैसे लोनलीनेस से डील करते हैं कैसे अप लॉस से डील करते हैं यार कोई सत्तर साल का बुढा होगा उसके तो मतलब वो हर जब फ़ोन बचता होगा वो सोचता होगा अरे किसका विकेट गिरा तो वो सब चीज़ों पे जो उनको एक्चुअल ज्ञान है वो तो देते हैं नहीं वो नहीं देते हैं और मुझे बुढ़्ढों की सा... मुझे भी अच्छी लगती है एक दो बातें अच्छी बात ये लगती है कि बुढ़्ढों का कोई थेरेपिस्ट नहीं है एक दूसरे के वो हाँ वो एक दूसरे के थेरेपिस्ट हैं उनका कोई थेरेपिस्ट नहीं है जो उनको जाके बोलता काम मत करो या, या। मतलब ज़्यादा दूसरे के पंगे मतलब दूसरे की जिंदगी में जाके वो अपने आप ही डील करना जानते हैं बट जो एरिया कोर एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है वहां तक रहना यार हर चीज़ में नहीं नहीं घुसना चाहिए पर देखो बड़ों की रिस्पेक्ट करनी नहीं करनी चाहिए ये बात से तो पूरी तरह सब सहमत है फालतू में किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए जैसे आपने बोला तो मेरे को तो जब भी चांस मिला है मैं बड़ों को इग्नोर करता हूँ जितना इग्नोर कर सकता जैसे कि तूने गोस्वामी को किया था सर और वो बड़ा ता... भी है तेरे से <laughs> हाँ, वो तो है तो वो क्या था वो इग्नोर था थी या तफरी मार रहा था वहां वो तो हो गया बुढ़े मतलब एक चीज हो चुकी है कि देखिए जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना वैसे आपको और लोगों के लिए डिसाइड करना छोड़ देना चाहिए बिल्कुल जैसे आप साठ के हो गए उसके बाद वोट वोट छोड़ो ना भाई आराम करो पूजा पाठ मस्त चिल करो साठ के बाद वोट देने चले जाते हो तो नब्बे साल का कैंडिडेट मिलेगा ना सही बात है और साठ के बाद आप किन चीजों पे वोट दोगे किस चीज पे पंद्रह साल के प्लान के अलावा तो कुछ होता नहीं है इंडिया में लेकिन जो हमारे लीडर्स हैं पॉलिटिकल लीडर्स सबके सब यूथ लीडर्स हैं पर्टिकुलरली राहुल गांधी राहुल गांधी

सीरियसली और हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जो बुढा आदमी है वो अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहता है जे बोलते हैं कि हमने पाल पोस के तुम्हें इतना बड़ा किया अब तुम शादी करके अलग रहना चाहते हो हाँ भाई क्योंकि तुम चैन से रहने नहीं दोगे ये क्यों पहन रखा है इसने फूफा जी आ रहे हैं आज घूंघट कर ले घर से बाहर जीन्स पहन के नहीं जाएगी वो लड़की चप्पल ना मारे तो क्या करे आदमी औरत ने अपने बेटे बहू पे केस कर दिया कि ग्रैंड चाइल्ड नहीं दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं और हमने इसकी पढ़ाई में इतना खर्चा किया इतना वो किया अरे भाई क्या मतलब म्यूचुअल फंड है क्या जिसमें तुमने तो इन्वेस्ट किया था अब रिटर्न नहीं दे रही है और अभी तो कोविड के बाद तो और भी प्रेशर बढ़ गया तुम देख रहे हो अब तो कुछ भी हो सकता है अब तो हमें पोता दे दो अब तो हमें पोती दे दो अब तो तुम शादी कर लो अब तो कुछ भी हो सकता है ये ये, ये प्रेशर बढ़ गया है प्रेशर और ये क्या लॉजिक है दे दो कोई मार्केट है जहाँ से उठा के लेके आगे दो किलो पोते दे देना हमको और ला के दादाजी लोग एक किलो आप रखो एक किलो दादी आप रखो और खेलो पोतों के साथ शादी कर लो और लोग करते हैं मतलब आई एम मोर वरीड अबाउट एक्चुअली यंगस्टर्स हु हैव दिस लॉजिक यार मेरी मम्मी का बहुत प्रेशर था इसलिए मैंने शादी कर ली हाँ मेरी दादी का प्रेशर था इसे बच्चे दादी का यार दादी को देखती मतलब चलो बच्चे पैदा करने चलते हाँ प्रेशर पड़ रहा है क्या मेरे को एक और चीज़ लगती है इनके बारे में कि इनको एक जो बुढ़ापे में इनको दो सहारे मिले हैं एक है जियो का फ्री डेटा और दूसरा है जुकोबर्क का व्हाट्सएप उसके चक्कर में ये जो पेल रहे ना जबरदस्त जबरदस्त और ये जो प्रोपागैंडा चलता है ना फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग जो डालते रहते हैं मेरा नहीं है फैमिली में क्या है? भाई ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं ना सुबह को इट्स लाइक अ सटल हिंट ऑन समवन तो क्या हुआ अगर हम बूढ़े हैं जिंदगी तो हमने ही देखी है और भूलना मत दीप हमने तुम्हें ही थी फिर anonymous. कौन है ये तेरे घर में सब अंकल आंटी जो अकेले फील कर रहे हैं अभी तरस तो आता है हुआ मैं तो सबसे फोन करके बात कर लेता हूँ देखो मेरा तो पता है मैं सबकी आपको पता नहीं है मैं ये करता हूँ हमेशा मैं अपने सब दोस्तों की मदर और फादर को उनसे पहले विश करता हूँ मदर फादर डे पे जब वो सोए होते हैं तो वो पता क्या करते होंगे अपने बेटे को कहते देख नालायक इसके लिए तो करता हूँ मैं हाय अंकल आई कॉलिंग अग्रीमा शी स्लीपिंग ऑफ कोर्स अंकल हैप्पी हैप्पी फादर्स डे ओके ओके वेन वेक्स अप व्हाट टाइम दू इलेवन थर्टी ओके ओके हैव नाइस डे अंकल हैप्पी फादर्स डे अगेन कितना कमीना आदमी है तू सर ठीक है इसलिए मैंने तुझे कभी अपने डैड का नंबर नहीं दिया मैं घर नाम करवा लेता अपने मुझे एक और चीज लगती है तो बुड्ढों का प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग भी प्रॉब्लम है कॉमन सेंस में थोड़ी प्रॉब्लम है कोविड की क्राइसिस के टाइम में बुढ़्ढो को समझाया गया अच्छी तरह से उनके घर के बच्चे समझा रहे हैं कि बाहर मत निकलो मास्क लगा के निकलो लेकिन कोई नहीं रुका अरे मेरी दो, मेरी दोस्त का दादाजी था हाँ। वो बोला ऐसे कुछ नहीं मैं अपनी सैटरडे की प्रार्थना कभी नहीं छोड़ता ये वो गया घंटा बजाया हाँ, हाँ। सर टेका चूमा पैर सब मूर्ति के वापस आया हाँ। कोविड हो गया चार दिन में आउट हो गए अब इसके लिए कौन से जिम्मेदार है यार लोग वो घंटा बजाने गए थे शायद वो मैं इसको नहीं बोलूंगा ये 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 कोविड डेथ डेथ है स्टूपिड स्टूपिड डेथ है इसके लिए कोविड जिम्मेदार नहीं है अच्छा मास्क मास्क उन्होंने ऐसे ट्रीट किया हुआ था जैसे दोस्ती की निशानी है तू मुझे अपना मास्क दे दे कोई बात नहीं अपना भूल गया मेरा गिर गया कहीं तू दे दे अपना उतार के तो उसने उतार के दे भी दिया और लोग समझा रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे मान नहीं रहे इस तरह की बात वो मेरे पास बहुत फनी स्टोरी है इस पर मैं रह रहा था ना तो मैं ऐसे आप आए हो घर माहिम वाले तो मैं वो आता अपना कंपाउंड है तो क्या होता है कि जो भी चलते हैं अंकल कंपाउंड में चल रहे थे पूरा टाइम कोविड में तो हमारा एक था कि अंकल कैसे हो कैसे हो पूछ रहे थे तो, तो एक दिन मैं गाड़ी से निकल रहा था एक अंकल चल रहे थे एक दूसरा आया बैंकर ऐसा सर hmm. ऐसा उठा अंकल हाउ आर यू फाइन हाथ हाथ में बेटा ऑल इज फाइन ऑल इज फाइन पर ये कोविड बोला हाँ अंकल ये कोविड ने तो ले रखी है सबकी हमारा भी काम धंधा ये वो हाँ मुझे कल ही पॉजिटिव आया अभी क्या बोलूँ भाई वो वो जो तो मतलब अभी आप मैं उसको भाई वहाँ से इशारा किया तो लाइक ये पॉजिटिव है फिर उसने सेक्रेटरी को मैसेज किया कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट नीचे घूम रहा है बोल रहा है हाँ अभी क्या करे उनको चैन नहीं आ रहा था घर पे टेरेस पे काम चल रहा है कुछ मैं मतलब मेरे मेरे खुद के फादर की डेथ हुई कोविड में हाँ मुझे पता है जब वो अब यहाँ पे तो जो शमशान घाट वगैरह तो पूरे

आपको लगता है हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं हाँ बिल्कुल कर रहे हैं उनके साथ बिल्कुल कर रहे हैं क्या अगेन इट ब्रिंग्स अस टू द ओरिजिनल पॉइंट द द आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट राइट कि वो ब्लाइंड रिस्पेक्ट से क्या होता है ना बुड्ढे ने एक आके घर के बुजुर्ग ने आके कि रैशनल बिगटेड बात कर दी बट आप उसे क्वेश्चन नहीं करते हो आउट ऑफ रिस्पेक्ट और वो जो ना क्वेश्चन करने की का जो फिर एक uh, जामा आपको पहना पहन लेते हो आप सब मतलब आपके सबकॉन्शियस दिमाग में चला जाता है कि सवाल जो आपसे उम्र में बड़ा है उससे आप सवाल नहीं कर सकते क्योंकि सवाल करना डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा इट देन ट्रांसलेट्स एंड यू नो टेक्स अ फॉर्म आउटसाइड योर होम ऑल्सो वेदर इट्स योर पॉलिटिकल लीडर्स अभी क्या है कि भाई आप उनसे पूछ ही नहीं सकते हो आप उनको कुछ कह नहीं सकते हो उसने बेकूफी बात बता दी बच्चा भी बेवकूफ हो गया और फिर वो बाहर जाके अपनी क्लासों में बेवकूफ बन रहा है रादर देन देट आप सवाल उठा के बोलो नहीं आप गलत बोल रहे हो चमाट पड़ेगा आपको घर पे कि तमीज़ नहीं है तेरे को बड़ों से कैसे बात करते हैं कि हाँ नहीं है मेरे को तमीज बड़े को देख लो क्या बेवकूफ़ी की बातें कर वर्ल्ड वर्क इंडिया में उल्टा चलता है ये गलत कर रहे हैं हम इसके अलावा हम कुछ गलत नहीं कर रहेपेक्ट माई एल्स माई एल आई डोंट ब्लाइंडली डिसरिस्पेक्ट माई एल्डर्स

मेरे खर्च पे आज़ाद है खबरें सो आई रिपीट पहले दो एपिसोड फ्री बाकी सारे एपिसोड सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ताकि आप संजय राजोरा और कुणाल कामरा का ये शो आराम से इसका लुत्फ उठा सकें और गर्व से ये भी कह सकें मेरे खर्च पे आज़ाद है खबरें क्योंकि आपके खर्च पे ना सिर्फ ऐसे शोज़ बनते हैं बल्कि हमारे सारे रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं